ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स के लीक होने के बारे में, जो हाल ही में आईसीआईजे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा लीक किए गए हैं। आईसीआईजे बेसिकली एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है जो इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रहा है और बहुत सारे फाइनेंशियल सीक्रेट्स पूरे वर्ल्ड के सामने लेकर आ रहा है। साथ ही में इंडिया से भी कई नाम यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें आप देख सकते हैं, अनिल अंबानी, काफी सारे लोग ऑफशोर डीलिंग्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं पेंडोरा पेपर्स के अंतर्गत। क्या ये सही है? कहा जाता है कि पेंडोरा पेपर्स में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही गलत हो, सारे ही क्रिमिनल हो, बिल्कुल नहीं। तो यही चीज का फर्क आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तीन कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला, ऑफेंसेज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो भी आप जुर्म करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है या नहीं। दूसरा, द सीबीआई हैज बीन गिवन द मैंडेट टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेज अंडर दिस। सीबीआई को अधिकार दिया गया है कि वो इसके अंदर जो भी ऑफेंसेज होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। तीसरा, जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है FIU इंडिया एनालाइसिस ऑल द सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडर दिस एक्ट। ए बी सी आर डी कमेंट में आप आंसर डाल दीजिए, वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं मामला क्या है। लाखों की तादाद में, हजारों भी बोल सकते हैं, लाखों इवन करोड़ों, 1.2 करोड़ की तादाद में यहां पर पेंडोरा पेपर्स को लीक किया गया है। ये पेंडोरा पेपर्स क्या बताते हैं? बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के बारे में, पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, उनकी ऑफशोर डीलिंग्स, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके को फ्रॉम 91 कंट्रीज, जिसमें भारत भी शामिल है, और भारत के 380 ऐसे लोग हैं जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स के अंतर्गत पाए गए हैं, जो इन सारी डीलिंग्स में इन्वॉल्व है। इन सभी के बारे में जानेंगे, कुछ फेमस नाम है। सबसे पहले समझते हैं वॉट आर पेंडोरा पेपर्स। पेंडोरा पेपर्स एक्चुअली है क्या? ये लगभग 12 मिलियन जो लीक्ड फाइल्स हैं, 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विस फर्म्स का नाम इन्वॉल्व है इसमें, 29,000 ऑफ द शेल कंपनीज हैं एंड प्राइवेट ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व है। क्या होते हैं ट्रस्ट और क्या होती है कंपनीज? ये बेसिकली सारी फर्जी कंपनीज हैं, सारी तो नहीं, बहुत सारी इसमें फर्जी कंपनीज हैं, बहुत सारे फर्जी ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ट्रस्ट देखिए क्या होता है, ट्रस्ट जो विश्वास होता है उसी बेसिस पे ये काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बनाया है अपने पैसे को सेफगार्ड करने के लिए। जैसे अगर आप मर गए मान लीजिए, तो आपके धन संपत्ति का क्या होगा, या आपके लोग बांट लेंगे या क्या होगा, उसके लिए आप बनाते हैं एक ट्रस्ट जो आपके मरने के बाद पैसे को मैनेज करता है ट्रस्टी, और उस पैसे का एक अच्छी तरह यूज किया जाता है डोनेशन में, अलग अलग बेनिफिशियरीज को बेनिफिट प्रोवाइड करने में। क्लियर है बात? तो उसी के लिए जो ट्रस्ट डेवलप होता है, इसमें तीन लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक होता है आपका सेटलर, एक होता है आपका ट्रस्टी, और एक होता है आपका बेनिफिशियरी। सेटलर पैसा लगाता है, ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्टी उसको मैनेज करता है, और बेनिफिशियरी जिसको इस ट्रस्ट से फायदा होता है। क्लियर है बात? तो बेसिकली क्या किया जाता है, ट्रस्ट के नाम पे बहुत सारा फंड्स आप ट्रस्ट में डाइवर्ट कर देते हैं, राइट? और वो ट्रस्ट जो है वो फाइनली बेनिफिशियरीज के नाम पे वो कैश आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनीज को अपना पैसा एक अच्छे कामों में लगाना पड़ता है, समाज के प्रति स्पेंड करना पड़ता है। तो ये ऐसे CSR ऐसे ट्रस्ट को ढूंढते हैं जो ट्रस्ट को वो पैसा डोनेट करते हैं, और ट्रस्ट आपका कुछ कमीशन काटने के बाद आपको कैश के रूप में वो पैसा वापस प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका जो CSR का जो मैंडेट था, जो आपका कानून है, वो भी आपने मतलब पूरा कर लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर ली, पर पैसा घूम फिर के आपके पास ही वापस आ गया। तो इस तरीके से पैसे को लॉन्डर किया जाता है। लॉन्ड्रिंग का मतलब सिंपल सा है, पैसे को धोना। कपड़े को लॉन्डर करते हैं, वैसे पैसे को धोना, काले धन को सफेद बनाना धोने के बाद, ये एक तरीका है। कभी कभी लॉन्ड्रिंग में काला धन भी, सफेद धन को भी काला बना लिया जाता है, क्योंकि आपको उस पैसे को, उस वेल्थ को सरकार से छुपाना होता है। कैसे करते हैं ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। देख सकते हैं आप, सचिन तेंदुलकर, इंडियन क्रिकेटर, पॉप स्टार शकीरा, साथ में PM पाकिस्तान के इमरान खान, इन सब इवेंट्स में शामिल है, इन लोगों के नाम सामने आए हैं। साथ में और कौन कौन के नाम आए हैं, देखिए 130 बिलियनर्स के नाम यहां पर हैं। रशिया की बात करें, US से बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, UK, मेक्सिको, हर देश से, राइट? ऑलमोस्ट पूरा देश ऑफशोर वर्ल्ड में इन्वॉल्व है। साथ ही में किंग ऑफ जॉर्डन की बात करें, द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूक्रेन, केन्या, इक्वाडोर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक एंड फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, सभी के नाम पेंडोरा पेपर्स में हमें देखने को मिलते हैं।
आईसीआईजे ने एक पूरा डेटाबेस तैयार किया है, ऑफशोर लीक्स डेटाबेस, जिसमें आप कंट्रीज के नाम से भी चीजों को सॉर्ट करके देख सकते हैं। चलिए, ये पेंडोरा पेपर्स बेसिकली हमें बताते क्या है, ये बताते हैं कि दो प्रकार के दुनिया चलती है। एक दुनिया जिसमें बेचारा आदमी मेहनत करता है, अच्छी तरह कमाता है और टैक्स भरता है। दूसरी वेल्दी दुनिया, जो रिच हैं, फेमस हैं और जो तिगड़मबाजी दिमाग वाले हैं, वो किसी तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रिडार से बच के बहुत सारा पैसा आपका बचा लेते हैं, मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये उन जगह बनाते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं? जहां पर आपको या तो कम टैक्स देना है या टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना, या उनके लॉज इतने खतरनाक है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और देश को नहीं देंगे। जैसे सिंगापुर की बात करें तो अगर आपका जो पैसा वहां लगा हुआ है वो इतना सीक्रेट होगा कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास ही रहेगी। क्लियर है बात? तो बेसिकली ये जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है बनता कैसे है, आप मान लीजिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट किया, उस सर्विस प्रोवाइडर ने आपके नाम पे नहीं किसी और नाम पे फर्जी एक कंपनी बना ली सिंगापुर में। अब वो सिंगापुर में कंपनी आपने बना ली, अब वो सिंगापुर कंपनी के नाम पे अकाउंट भी खोल लेगा, बैंक अकाउंट, उस कंपनी के नाम पे बहुत सारा पैसा भी उस अकाउंट में आ जाएगा, और फिर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी उसके जरिए खरीद सकते हैं। तो ये होता है फर्जीवाड़ा, किस तरीके से पैसे को लॉन्डर किया जाता है। साथ ही में किया जाता है अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। अब मान लीजिए जो आपके लिए किसी सर्विस प्रोवाइडर को आपने पैसा दिया, उसने आपके लिए एक सिंगापुर में कंपनी खड़ी कर दी, कंपनी खोल दी, वो किसी और के नाम पे, वो आपके नाम पे नहीं है, तो इससे आपकी आइडेंटिटी छुप गई। टैक्स अथॉरिटीज को आप तक पहुंचना एकदम इम्पॉसिबल है, उनको पता ही नहीं कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, आपका पैसा लगा हुआ है यहाँ पे, राइट? आपने प्राइवेट प्लेन्स खरीद रखे हैं, आपने उस कंपनी के नाम पे बहुत सारे यार्ड्स खरीद रखे हैं, और ये जो आपके असेट्स है फॉरेन नेशंस में सिक्योर है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता, आपको वहां टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, फॉरेन असेट्स हैं। इनफैक्ट पेंडोरा पेपर्स ये रिवील करते हैं कि बहुत सारी जो फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं वो भी हैं, यानी मेक्सिको में बात करें, यूएसए में बात करें, लंदन में बात करें, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम पे है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है। चलिए, अगर ये लीगल है ट्रस्ट बना, इंडिया में भी ट्रस्ट बनते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से, तो ये क्या, ये ट्रस्ट अगर लीगल है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? देखिए, फर्क यही है कि अगर आप सही ढंग से करेंगे, जेन्युइन काम के लिए करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, सब कुछ क्लियर है। पर अगर आप ये जो इल गॉटन मनी है, अपने पैसे को छुपा रहे हैं कहीं जाके, इसे कहते हैं पार्किंग ऑफ द मनी। आप जैसे व्हीकल को आप पार्क करके रख देते हैं, छुपा देते हैं चोरी करके, मान लीजिए आपने कहीं व्हीकल को पार्क कर दिया, आपने ये पैसे को किसी दूसरी कंपनी में, विदेशी कंपनी में पार्क कर दिया, अब उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही में आपने अपनी टैक्स टैक्स की बचत के लिए किया, टैक्स बचाना है अगर आपको, टैक्स बचाने के भी दो तरीके हैं, एक लीगल तरीका और एक इलीगल तरीका। अगर आप टैक्स बचाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका टैक्स इवेजन हो जाएगा। वो कंपनी जो कंट्रीज हैं वो ऑफर ही करती हैं कि हमारे यहाँ टैक्स कम है, बिकॉज दे वॉन्ट कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें, वो एक लीगल तरीका है। साथ में प्रोटेक्ट वेल्थ फ्रॉम लॉ इन्फोर्सर्स से अपनी वेल्थ को छुपाना। जैसे अनिल अंबानी के केस में बात करें, अनिल अंबानी के फॉरेन में बहुत सारे असेट्स हैं, पर इंडिया में उन्होंने, मतलब तो बेचारे ही कहता हूं, उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रखी है, तो कितने बेचारे हुए, और करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, राइट? सेम विजय माल्या, विजय माल्या यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी सारी सीज हो गई, पर उनके पास फॉरेन फॉरेन प्लेसेस में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और जो सीक्रेसी लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि यूके से उनको इंडिया वापस भेजा नहीं जा रहा, बहुत नेगोशिएशन हो रहे हैं, फिर भी उनको इंडिया हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। तो ये होते हैं तरीके बचने के, राइट? और ये जनरली रिच पीपल ही करते हैं, हम आपके और मेरे बस की ये बात नहीं है, राइट? तो इसमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि दो दुनिया है, एक गरीब जो और गरीब हुए जा रहा है, और एक अमीर जो और अमीर हुए जा रहा है। गरीब आदमी तो बेचारा नियम से टैक्स देता है, इनकम टैक्स भरता है, जीएसटी देता है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, दोनों प्रकार के टैक्स को देने पड़ते हैं। चलिए, क्या ये जो ऑफशोर ट्रस्ट बनाए जाते हैं, इन्हें रेजिडेंट इंडियन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता? देखिए, जो आपका ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट है 2015, उसके आधार पर जो रेजिडेंट इंडियन है, जो भारतीय नागरिक है, उनको अपने फॉरेन असेट्स के बारे में डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। वहीं पर एनआरआई को ये करने से रोक है, कि आप रोक नहीं, मतलब एनआरआई को बताने की जरूरी नहीं कि एनआरआई को बताना पड़े। तो टाइम एंड अगेन कभी कभी ऐसा होता है कि आईटी डिपार्टमेंट जो होता है वो एनआरआई को बोलता है, नोटिस देता है कि आप अपने असेट्स को रिवील कीजिए कुछ सर्टेन केसेस में, पर एनआरआई को ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही होता है,
ये जो कंपनी बनाई गई है बाहर, एक ट्रस्ट बनाया गया है, ये आप अपने किसी एनआरआई फ्रेंड या रिलेटिव के नाम पे बना दें, तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है और वो आपके पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहा है बेसिकली आपके नाम पे, राइट। नाम भी आपका नहीं है, उसी का ट्रस्ट का नाम है, पर वो ट्रस्ट ओन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, राइट। समझिएगा व्हाई पीपल सेट अप ट्रस्ट, ट्रस्ट बनाए क्यों जाते हैं। मेंटेन अ डिग्री ऑफ सेपरेशन, एक सेपरेशन रहता है आपकी प्रॉपर्टी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में, राइट। आप उनको मिक्स नहीं करते, आप ट्रस्ट में प्रॉपर्टी अपनी जो मूव करते जाते हैं तो वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो गई, यानी वो जो भी ट्रस्ट उसको मैनेज कर रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, क्लियर। दूसरा, हंट फॉर एनहेंस सीक्रेसी, आप हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कौन सा देश है जो मेरी सीक्रेसी को मेंटेन कर सके। आज इंडिया डेटा मांगेंगे सिंगापुर से कि ये जो आपकी कंपनीज हैं ये किन किन के नाम पे खुली हुई है बताइए, वो सिंगापुर मना कर देगा, मैं नहीं बता रहा भैया, क्योंकि मेरा रूल है, मैं अगर मेरे को किसी ने राज बताया तो वो राज मैं अपने पास ही रखता हूँ। दूसरा, तीसरा, अवॉइड टैक्स इन द गाइज ऑफ प्लानिंग, अब वो टैक्स ही कम लगा रहे हैं तो आपने वहां पर अगर प्लेन्स खरीदे, वहां पर कुछ चीजें परचेस करी, लग्जरी आइटम परचेस करे, आपका टैक्स कम लगा, तो ये जो टैक्स से बचने के लिए। तीसरा, एनआरआई एंगल, मैंने आपको बताया एनआरआई को अपना डेटा देने की जरूरत नहीं है, तो एनआरआई एंगल यहाँ पर पिक्चर में आता है, क्लियर है बात। चलिए सचिन तेंदुलकर साहब की बात करें तो इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है सास इंटरनेशनल लिमिटेड, तीन लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनके फादर इन लॉ आनंद मेहता, अंजलि इनकी वाइफ, एंड सचिन साहब खुद जिन्होंने साइन किए हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं इस ट्रस्ट को, सास इंटरनेशनल कंपनी को। हालांकि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं आईसीआईजे द्वारा क्लियर कर दिए गए हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब के जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है सब एकदम लीगल है, लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन है, उनके इनकम टैक्स रिटर्न में ये सारी चीजें शो भी हो रही हैं। तो देखिए जो आपके मन में इमेज बन रही थी सचिन तेंदुलकर साहब की हमेशा से, कि सचिन तेंदुलकर साहब कितने शालीन हैं, कितने सही हैं, ये कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो अभी भी बरकरार है। इनके जो मीन्स है वो सारे लेजिटिमेट है अभी तक जो आईसीआईजे को मिले हैं, फ्यूचर में कोई और रिविलेशन होते हैं तो वो हमारे सामने जरूर आएंगे। चलिए साथ ही में एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑफेंसेज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस, जी हाँ, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ऑफेंसेज भी इसके अंदर आते हैं, आईपीसी के भी आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करूं, नारकोटिक ड्रग्स एक्ट की बात करूं, साइकोट्रोपिक एक्ट की बात करूं, एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट की बात करूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कीमती सामान है उसके जरिए भी मनी लॉन्डर होता है, ये सारे आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट का पार्ट बनते हैं। बी की बात करें तो बी हमारा यहां पर गलत है, सीबीआई को ये अधिकार नहीं है ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने का, ये है आपका ईडी के पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। और तीसरा सही है आपका, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो एनालाइज करती है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, तो ऑप्शन बनता है बी, 1 एंड 3 यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑलराइट,